लेकिन इसको कंफर्म, अगर आपको वक्त से पहले मेनोपॉज हो रहा है, पीरियड्स बंद हो रहे हैं स्पेशली फॉर अर्ली 40s में, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसको डायग्नोज करने के टेस्ट हो सकते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स हैं जो कि मेनोपॉज के हैं, जैसे हॉट फ्लशेज हैं, आपको इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स हैं, तो मेडिकेशंस के थ्रू आपको हेल्प आउट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीबा ताही, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करना चाह रहे हैं मेनोपॉज क्या है और मेनोपॉज के बाद होने वाली ब्लीडिंग के बारे में। एक्चुअली मेनोपॉज वो स्टेज है जिस टाइम पे आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। यूजली इसकी एज है 51 ईयर्स, या उससे 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। और जब आपको पूरे 1 साल के लिए पीरियड्स ना हैं, तो फिर देन यू कैन से दैट यू हैव अटेंड द मेनोपॉज। सेकेंडली इसको कन्फर्म, अगर आपको वक्त से पहले मेनोपॉज हो रहा है, पीरियड्स बंद हो रहे हैं स्पेशली फॉर अर्ली 40s में, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसको डायग्नोज करने के टेस्ट हो सकते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स हैं जो कि मेनोपॉज के हैं, जैसे हॉट फ्लशेज हैं, आपको इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स हैं, तो मेडिकेशंस के थ्रू आपको हेल्प आउट किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो ये है कि मेनोपॉज के बाद होने वाली ब्लीडिंग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ऐसी ब्लीडिंग जो आपको मेनोपॉज होने के मींस आपके अगर पीरियड्स 1 साल हो गए और आपको पीरियड्स नहीं है, उसके बाद किसी भी टाइम पे आपको अगर ब्लीडिंग होती है, तो देन यू नीड टू कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। वो बेशक आपको उसके 1 साल बाद होती है, 2 साल बाद होती है, या लेटर ऑन इन लाइफ अगर आपको बेशक स्पॉटिंग भी होती है, तो एक दफ़ा आपको खुद को इवेल्यूएट करवाना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको कैंसर है, बट हमें उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये ब्लीडिंग क्यों हुई है और इसकी क्या कॉज है। उसमें इम्पॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन है और दूसरा अल्ट्रासाउंड है। और उसके बाद जो है, फिर हम यूट्रस के अंदर से एंडोमेट्रियम का सैंपल लेके उसको डायग्नोस कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन द हाई रिस्क ग्रुप, जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर आता है, ओवेरियन कैंसर आता है, एंडोमेट्रियल कैंसर मींस यूट्रस का कैंसर आता है, सर्विक्स का कैंसर आता है, जिसको कॉमनली कहा जाता है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, या कॉलन मींस बड़ी आंत का कैंसर है। ऐसे में आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना है, या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद, मेनोपॉज के बाद कभी भी अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, तो आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि उसकी वजह मालूम की जाए और आपको रीअश्योर किया जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सके। थैंक यू।